आज के इस वीडियो पे मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ एक नया तरीका, एक नए इफेक्ट के साथ स्टोरी वीडियो को एडिट करना, जो कि काफी ज्यादा आसान है। और इस वीडियो पे मैंने सारी चीजों को एकदम स्टेप बाय स्टेप फुल डिटेल में एक्सप्लेन किया है, ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। और जो मैं स्टोरी एडिटिंग आप लोगों को इस वीडियो पे सिखाने वाला हूँ, वो बन करके तैयार होता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है। तो इस तरीके की स्टोरी वीडियो को बनाने के लिए आपको चाहिए होगा 3 एप्लीकेशंस, जो कि आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएगा। यहां से आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करना है और आपको सर्च करना है काइन मास्टर। तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आ जाएगा, इसका लोगो और नेम सही से देख लो और इसी को आपको इंस्टॉल करना है। ये हो गया आपका फर्स्ट एप्लीकेशन। अब चलते हैं सेकेंड एप्लीकेशन की ओर, जिसका नाम है पिक्सेल लैब। जब पिक्सेल लैब लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आएगा। इसका नाम पहले पिक्सेल लैब था, अभी पिक्चर एडिटर हो गया। तो आप लोगो और नेम सही से देखो और आपको यही वाला इंस्टॉल कर लेना। अब हम लोगों को करना है तीसरा एप्लीकेशन इंस्टॉल। तो यहाँ पे फिर से सर्च पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ से सर्च कर लेना फोटो टू स्केच। तो आपके सामने ये वाला एप्लीकेशन आएगा। यहाँ पे थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हो, तो मैंने मार्क लगा दिया, इसका लोगो और नेम सही से देखो और आपको यही वाला इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने कर लिया अपना तीनों एप्लीकेशन इंस्टॉल। इंस्टॉल करने के बाद आपको चले जाना है अपने स्टोरी पे, जो भी आपकी स्टोरी होनी है उस स्टोरी को आपको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए नोटपैड में एक स्टोरी को ओपन करके रखा है, देख सकते हो दोस्ती में दरार, ये अकबर बीरबल के ऊपर कहानी होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोगों को इसी रिलेटेड एक इमेज को डाउनलोड करना है, फोटो को डाउनलोड करना है। तो फोटो को डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप लोगों को ओपन करना है अपना क्रोम ब्राउजर एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है जिस भी रिलेटेड आपका स्टोरी है, ठीक है। तो मेरा जो स्टोरी है अकबर बीरबल रिलेटेड है, तो मैं यहाँ पे अकबर बीरबल लिख करके सर्च करूंगा। सर्च करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाता है इमेज का, मार्क देखो मैंने लगा दिया है। इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से बहुत सारे फोटोज वगैरह देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको जो भी फोटो अच्छा लगता है उसको आप यहां से डाउनलोड कर लेना। किस तरीके से डाउनलोड करना है वो मैं आपको यहां पे नहीं बता सकता, यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के ये खिलाफ है। अगर आपको जानना है तो दिए गए इस इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इंस्टाग्राम में बता दूंगा, ठीक है। फोटो डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन कर लेना है स्केच टू फोटो मेकर, ये वाला एप्लीकेशन जो कि आप लोगों ने अभी प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया था। ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको यहाँ गैलरी पे क्लिक करना है। गैलरी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सारे इमेजेस शो हो जाएंगे। तो आप लोगों ने जो भी अभी क्रोम से फोटो को डाउनलोड किया था उसको यहाँ पे सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको क्रॉप भी कर सकते हो, आपको जितना फोटो का जरूरत है सिंपली इस तरीके से इसको क्रॉप कर लेना है। क्रॉप करने के बाद आपको सिंपली ऊपर देखो कोने में टिक का एक ऑप्शन है, तो टिक वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये आपका स्केच बनाना स्टार्ट कर देगा, थोड़ा सा समय लेगा, बस 10 से 15 सेकंड लेता है और ये स्केच बन करके आपका तैयार कर देगा, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे अभी देख पा रहे हो। तो जब तक ये स्केच क्रिएट कर रहा है तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, और आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों के लिए स्टोरी एडिटिंग रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ। तो देख सकते हो यहाँ पे इसने स्केच को रेडी कर दिया है। तो सिंपली आप इसको चेंज भी कर सकते हो, नीचे देख सकते हो इतने सारे स्केचेस वगैरह के आपको ऑप्शंस मिल जाता है। तो जो भी आपको देखने में अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कर लेना। एग्जांपल के लिए मैं फर्स्ट वाला रख रहा हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली ऊपर कोने में देखो आपको टिक का ऑप्शन मिल जाता है, तो सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। टिक वाले पे क्लिक करोगे तो ये कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करना है। और आप यहां पे देख सकते हो इसके ब्राइटनेस को बढ़ा घटा भी सकते हो, तो सिंपली मैं इसके ब्राइटनेस को 0 पे रख लेता हूं, सबसे कम कर दिया मैंने। कम करने के बाद सिंपली नीचे कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो ये अप्लाई कर रहा है स्केच को, जो भी मैंने अभी एडिट कर दिया ब्राइटनेस को कम कर दिया उस पर इसने अप्लाई कर दिया, ठीक है। अप्लाई करने के बाद सिंपली कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद लास्टली आपको एक ऑप्शन दिख जाता है यहाँ पे सेव का, देख सकते हो स्क्रीन पे, आपको सेव पे सिंपली क्लिक कर देना है। तो ये जो इमेज बना करके दिया स्केच वाला, ये हमारे गैलरी में सेव हो चुका है। अब हम लोग यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे।
तो ये तो हो गया, हम लोगों ने जब फोटो डाउनलोड किया उसको स्केच में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन अभी इसका बैकग्राउंड रिमूव नहीं हुआ। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए सिंपली आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना एंड यहाँ पे सर्च करना है आपको रिमूव BG, इस तरीके से लिखना तो आपके सामने ये वाला वेबसाइट खुल के आ जाएगा, रिमूव बैकग्राउंड। तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है अपलोड इमेज, तो अपलोड इमेज पे सिंपली क्लिक कर देना। क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका गैलरी अगर इस तरीके से शो हो रहा है, फोटो शो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको ब्राउज का, तो ब्राउज पे आपको क्लिक कर लेना। क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो सिंपली जो हम लोगों ने स्केच बनाया, स्केच वाले फोटो को यहाँ पे सिलेक्ट कर देना। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, देख सकते हो अपलोडिंग हो रहा है और इसके बैकग्राउंड को ये रिमूव कर रहा है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसने बैकग्राउंड को रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिख जाता है, तो सिंपली आप यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर ला। क्लिक करोगे तो आपका ये फोटो बैकग्राउंड रिमूव करके आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। अब ये हो गया, हम लोगों ने फोटो कर लिया तैयार। फोटो को तैयार करने के बाद अब हम लोग ओपन करेंगे अपना पिक्सल लैब एप्लीकेशन, ये भी हम लोगों ने प्ले स्टोर से इंस्टॉल करा था। तो सिंपली इसको ओपन करना है तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली नीचे से इसको आप स्क्रॉल करोगे एंड आ जाना सबसे लास्ट में, तो आपको यहाँ पे लास्ट पे एक व्हाइट कलर का बैकग्राउंड दिख रहा है, तो सिंपली व्हाइट कलर के बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर कोने में 3 डॉट है, तो सिंपली 3 डॉट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है इमेज साइज पे एंड यहाँ से इसके साइज को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे विड्थ को मैं डिलीट करूंगा और यहाँ पे टाइप करना है 1920 एंड हाइट को डिलीट करना है एंड यहाँ पे कर लेना है 1080। इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ ओके पे क्लिक कर देना है, तो आपका साइज स्क्रीन का साइज कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब हम लोगों को लाना है यहाँ पे अपने फोटो को, तो फोटो को लाने के लिए सिंपली ऊपर कोने में देखो प्लस का ऑप्शन है, मार्क मैंने लगा दिया, प्लस पे क्लिक करना। उसके बाद आपको क्लिक करना है फ्रॉम गैलरी। फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करोगे आपके सामने आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो हम लोगों को यहाँ से सेलेक्ट करना है जो हम लोगों ने रिमूव BG वेबसाइट से फोटो को बैकग्राउंड को हटा के डाउनलोड किया, सिंपली उस फोटो को लेना है, ठीक है, स्केच वाले फोटो को नहीं। तो यहाँ पे जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये बैकग्राउंड रिमूव हुआ फोटो है, देख सकते हो, सेलेक्ट करा मैंने इसको एंड यहाँ नीचे टिक वाले पे क्लिक कर देंगे। करने के बाद आप लोग इसको अपने स्क्रीन पे इस तरीके से सेट कर लेना, आपका फोटो जहाँ पे भी सही तरीके से सेट हो रहा है उस तरीके से इसको अपने स्क्रीन पे सेट कर लेना। तो थोड़ा सा इसके साइज को हम और बढ़ाएंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे ला करके आपको इसको इस तरीके से सेट कर लेना। सेट करने के बाद ये फोटो यहाँ से ना हिले इसके लिए आपको क्लिक करना, यहाँ पे मार्क मैंने लगा दिया, मार्क देखो, उस पर आपको क्लिक करना। तो जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एक लॉक का ऑप्शन दिख जाएगा, मार्क देखो लगा दिया लॉक पे, तो सिंपली आपको लॉक वाले पे क्लिक कर देना है। लॉक पे क्लिक करने के बाद वापस आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना, मार्क देख लो मैंने लगा दिया, यहाँ पे आप क्लिक करो तो वो हट जाएगा। अब आप इस फोटो को कितना भी हिलाने का कोशिश करोगे ये यहाँ से नहीं हिलेगा, ठीक है, हम लोगों ने कर दिया इसको यहाँ पे लॉक। अब हम लोगों को डालना यहाँ पे अपने स्टोरी के लाइन्स को, तो स्टोरी के लाइन्स को डालने के लिए वापस चलेंगे हम लोग अपने स्टोरी पे जहाँ पे भी हम लोगों ने अपने स्टोरी को सेव करके रखा है। तो देख सकते हो इस स्टोरी का जो हेडिंग है दोस्ती में दरार, तो सबसे पहले हम लोगों को इसको कॉपी करना है, सिर्फ हेडिंग को, ठीक है। हेडिंग को कॉपी करने के बाद चले आना है पिक्सल लैब पे एंड यहाँ पे आपको नीचे ए का ऑप्शन दिख रहा है, ए पे आपको क्लिक करना है, मार्क देख लो लगा दिया, ए पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपको ऑप्शन आ जाएगा टेक्स्ट, तो सिंपली आपको टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपके स्क्रीन पे ये न्यू टेक्स्ट इस तरीके से आ जाएगा, तो सिंपली आपको नीचे क्लिक कर देना है एडिट वाले ऑप्शन पे। एडिट पे क्लिक करेंगे तो आपका इस तरीके से खुल जाएगा, तो सिंपली इसको डिलीट करना एंड हम लोगों ने जो हेडिंग को कॉपी करा उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको एक स्पेस देना है जो दरार लिखा हुआ, उसके बाद एक स्पेस देना है एंड ये जो दोस्ती है इसके पहले भी एक स्पेस दे देना है। स्पेस देने के बाद सिंपली आपको ऊपर कोने में ओके का ऑप्शन दिख रहा है तो ओके पे क्लिक कर देंगे, तो देख सकते हो ये यहाँ पे आ चुका है।
अब हम लोग बनाएंगे इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए इसको इस तरीके से स्क्रॉल करना एंड आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है कलर का, तो सिंपली कलर पे आपको क्लिक करना एंड यहाँ से मैं इसको रेड कलर दे दे रहा हूँ। आपकी मर्जी है, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स हैं, जो भी मर्जी है आप इस कलर को यूज कर सकते हो। रेड कलर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ पे टिक पे क्लिक कर देना एंड थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है फॉन्ट। यहाँ पे मार्क देखो लगा दिया, तो फॉन्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद मैं यहाँ से माई फॉन्ट्स पे जाऊंगा, यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, तो ये आपके में नहीं शो करेगा, ये आपको माई फॉन्ट्स आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा आपके पिक्सल लैब के अंदर। अगर आपको सेट करने नहीं आता है तो उसका आई बटन पे ऊपर मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया, ऊपर कोने में आपको दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक करोगे तो पिक्सल लैब में कस्टम फॉन्ट डालने के लिए सीख जाओगे इस तरीके से। तो यहां से मैं एक फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा है जिसका नाम है यात्रा वन रेगुलर, ये वाला फॉन्ट, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड नीचे ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो इसका फॉन्ट चेंज हो चुका है। इसको थोड़ा सा और स्टाइल देंगे तो यहाँ पे आपको एक दिख जाता है ऑप्शन बी स्टाइल, तो सिंपली आपको इस पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद इसको यहाँ से बोल्ड करेंगे, तो यहाँ पे सिंपली बी वाले पे क्लिक कर देंगे। बी वाले को सिलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ टिक वाले पे क्लिक कर देना है। तो ये हो गया, हम लोगों ने इसका हेडिंग कर लिया तैयार। अब थोड़े से इसको साइज को बड़ा करेंगे क्योंकि ये हमारा हेडिंग होने वाला है। तो साइज को बड़ा करने के लिए सिंपली थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है साइज, देख सकते हो अपने स्क्रीन पे। तो सिंपली साइज पे क्लिक करेंगे एंड आप इसको बढ़ा सकते हो इस तरीके से, जहां पे भी आपको देखने में अच्छा लग रहा। तो मैं इसको 77 के आसपास छोड़ देता हूँ या फिर और भी घटा सकते हो, आपकी मर्जी है, जिस तरीके से ये अच्छा लग रहा हो। सेट करने के बाद सिंपली आपको यहाँ टिक पे क्लिक कर देना और इसको अपने उंगली की मदद से ला करके यहाँ बीचों बीच में इस तरीके से सेट कर लेंगे, जहां पे भी ये देखने में अच्छा लग रहा हो। इतना करने के बाद यहाँ पे हम लोगों का हो गया इसका हेडिंग रेडी। अब हम लोगों को डालना है अपने स्टोरी के लाइन्स को। तो स्टोरी के लाइन्स को डालने के लिए सिंपली आप नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करोगे और हम लोगों को दोबारा इतना मेहनत ना करना पड़े तो सिंपली इसका एक कॉपी बना लेंगे। तो यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे नीचे देखो कॉपी का ऑप्शन है, तो सिंपली कॉपी पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करा ये देख सकते हो दो दो यहाँ पे ये बन चुका है। तो सिंपली अब हम लोग जाएंगे अपने स्टोरी पे, जहाँ पे हम लोगों ने स्टोरी को सेव करके रखा, और स्टोरी के लाइन्स को इस तरीके से कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस चलेंगे पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे एंड ये जो दोस्ती में दरार दूसरा वाला जो ये बन करके आया है, सिंपली आपको नीचे यहाँ पे देखोगे एडिट का एक ऑप्शन है, तो एडिट पे भी आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप वहां क्लिक नहीं करना चाहते, जो दोस्ती में दरार ये लिखा हुआ, सिंपली आप इस पे दो बार जल्दी जल्दी क्लिक कर दो। दो बार जल्दी जल्दी क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। तो सिंपली आपको इसको यहाँ से डिलीट कर देना है और आप लोगों ने जो स्टोरी का लाइन्स कॉपी करा उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद सिंपली ऊपर कोने में देखो ओके का ऑप्शन है, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो आपकी स्टोरी कुछ इस तरीके से आ जाएगी। तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो सिंपली इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से एंड यहाँ पे कलर का ऑप्शन है, तो कलर पे क्लिक करेंगे एंड इसके टेक्स्ट को मैं ब्लैक कलर दे रहा। तो ब्लैक कलर में मैंने जैसे ही क्लिक करा देख सकते हो तो इसका कलर चेंज हो चुका है। कलर चेंज करने के बाद सिंपली आपको टिक पे क्लिक करना है एंड थोड़ा सा और आगे आओगे तो आपको यहाँ पे फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली फिर से फॉन्ट पे जाएंगे एंड इसके फॉन्ट को भी चेंज करेंगे। तो उसके लिए मैं जा रहा माई फॉन्ट पे एंड यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा कलम रेगुलर। तो कलम रेगुलर को मैं सेलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो देख सकते हो कुछ इस तरीके का हमारा फॉन्ट में चेंज हो चुका है। तो थोड़ा सा इसको और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन दिख जाता है एलाइन, देख सकते हो मैंने मार्क लगा दिया, इसी पे आपको क्लिक करना है। एलाइन पे क्लिक करने के बाद ये जो तीन ऑप्शन दिख रहा है सिंपली आपको बीच वाले ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको टिक पे क्लिक कर देना है। ये हो गया हमारा फॉन्ट यहाँ पे चेंज, जो भी हम लोगों ने इसको लुक देना था वो हम लोगों ने दे दिया। अब इसका काम रह गया इसको अपने स्क्रीन पे सेट करना। तो सेट करने के लिए सिंपली इस तरीके से स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाता है साइज का, तो सिंपली साइज पे क्लिक करेंगे एंड इसके साइज को कर लेंगे इस तरीके से छोटा। एंड यहाँ पे जो आपका ये जो टेक्स्ट है ये लाइन से घिरा हुआ मार्क मैंने लगा दिया, यहाँ पे आपको अपनी उंगली रखनी है इसी लाइन पे
और इस तरीके से इसको सेट करना है जहां पे भी आपको देखने में ये अच्छा लग रहा हो। तो इसको जल्दी से सेट करते हैं एंड वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस तरीके से सेट कर लेना, ये नहीं कि यहाँ पे मेरा साइज 42 है तो आपका भी, आप भी जब एडिट करोगे तो आपका 42 पे सेव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी स्टोरी अलग होनी है, मैं जो बता रहा वो अलग है। तो ये चीज आपको अपने दिमाग से इसको सेट करना पड़ेगा कि कहाँ पे ये अच्छा लग रहा है एंड कहाँ पे ये अच्छे से सेट हो रहा है, ठीक है। ये आपको खुद के माइंड से करना पड़ेगा। तो इसको मैं यहाँ से इस तरीके से सेट करता हूँ, देख सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पे सेट हो चुका है। थोड़ा सा इसको और ऊपर करेंगे ताकि देखने में ज्यादा अच्छा लगे। ओके, इस तरीके से देख सकते हो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। सेट होने के बाद सिंपली आपको टिक पे क्लिक कर देना है एंड मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ कि कितना अच्छा ये देखने में लग रहा है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हो गया हमारे स्टोरी का फर्स्ट फोटो बन करके कंप्लीट। स्टोरी का यहाँ पे हेडिंग भी हो गया, लाइंस भी हो गया और हम लोगों ने फोटो भी लगा दिया। अब इसको करना है अपने गैलरी में सेव। तो सेव करने के लिए सिंपली ऊपर कोने में थ्री डॉट है, थ्री डॉट पे क्लिक करना एंड उसके बाद आपको क्लिक करना एक्सपोर्ट इमेज, ये वाले ऑप्शन पे। एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करने के बाद ये जो यहाँ पे आपको कस्टम दिख रहा है इस पे क्लिक करके इसको अल्ट्रा कर लेंगे एंड सिंपली सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। तो हम लोगों ने यहाँ पे इतना जो मेहनत करा ये हमको बार बार मेहनत नहीं करना है, अब हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। तो ये हो गया हम लोगों का फर्स्ट लाइन बन करके तैयार। तो सिंपली अब जो दूसरा लाइन होने वाला है, दूसरा फोटो बनेगा, उसमें तो हेडिंग नहीं होगा। तो सिंपली आपको हेडिंग वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है, ये जो दोस्ती में दरार है इसको मैंने सिलेक्ट करा एंड यहाँ पे नीचे आप देखोगे मार्क मैंने लगा दिया है, डिलीट का ऑप्शन है। तो सिंपली आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हो क्लिक करा तो दोस्ती में दरार जो था वो डिलीट हो चुका है। एंड आपको अब नोटिस करना है कि यहाँ पे स्टोरी का लास्ट लाइन क्या है, अकबर बादशाह तथा साहूकार को यह। तो इसके आगे के लाइन को अब हमको कॉपी करना है। तो यहाँ से चलते हैं अपने स्टोरी पे एंड यहाँ से आगे के लाइन को कॉपी करते हैं। तो यहाँ से खोज लेते हैं कहाँ पे है, यहाँ पे है ये, यह मित्रता ये वाला लाइन है। इस तरीके से इसको सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ से कॉपी करना है एंड वापस चले आना है अपने स्टोरी पे। तो देख सकते हो ये वाला जो लाइन है, सिंपली अपने स्टोरी के लाइन पे दो बार क्लिक कर दो या फिर आप नीचे यहाँ पे एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली आप एडिट पे भी क्लिक कर सकते हो। तो इस तरीके से खुल जाएगा। खुलने के बाद इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे एंड इसको डिलीट कर देंगे एंड हम लोगों ने जो आगे वाला लाइन को कॉपी करा उसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एंड सिंपली यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। तो देख सकते हो हम लोगों को कुछ भी करना नहीं पड़ा और हम लोगों का सेकेंड लाइन बन करके, सेकेंड पैराग्राफ बन करके रेडी हो चुका है। सिंपली हम लोगों को थोड़ा इसको और ऊपर करना है ताकि हम लोगों का ज़्यादा लाइन यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाए। इस तरीके से, इस तरीके से कर करके छोड़ देंगे एंड सिंपली वही इसको अपने गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो एक्सपोर्ट करने के लिए थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, ऊपर कोने में देखो यहाँ पे थ्री डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे एंड देन एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करके कस्टम जो है इसको अल्ट्रा कर करके सेव टू गैलरी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा दूसरा फोटो भी बन करके तैयार। इसी तरीके से आपको अपने स्टोरी के सारे फोटोज को बना करके सबसे पहले तैयार कर लेना है। फोटो को तैयार कर लेने के बाद अब हम लोगों को करना है इसको वीडियो में कन्वर्ट। ये तो हो गया हमारा फोटो, अब हम लोगों को इसको बनाना है वीडियो। तो आई होप अभी तक आप लोग यहाँ तक अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर देना और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब चलते हैं हम लोग इसको एडिटिंग करने के लिए। तो एडिटिंग करने के लिए आपको ओपन कर लेना है काइनमास्टर एप्लीकेशन। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चैनल दिखा देना चाहता हूँ जिसका नाम है के बाई एनडी थॉट्स। आप लोग ये लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला चैनल आ जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने अपने चैनल पे 31 वीडियोस अपलोड करे हैं और इनका सब्सक्राइबर्स हो चुका है 84। अब बात करते हैं कि इनके चैनल पे किस टाइप से व्यूज आ रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने 22 घंटे पहले एक वीडियो अपलोड करा जिसपे सिर्फ 22 व्यूज हैं। एक दिन पहले अपलोड करा 33 व्यूज है, दो दिन पहले अपलोड करा उसपे 32 व्यूज है। तो इस तरीके से इनके चैनल पे काफी ज्यादा कम व्यूज आ रहा है।
और यहां से मैं आप लोगों को कोई एक वीडियो प्ले करके दिखा देता हूं कि किस तरीके से ये अपने चैनल पे काम कर रहे हैं। तो यहां से एक वीडियो को मैं प्ले करता हूं और आप लोग यहां पे देख सकते हो। आज घर में चमचमाती काले रंग की एक नई कार जो आई थी, सबसे ज्यादा खुश महेश की नन्ही सी प्यारी बिटिया थी। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने एडिटिंग भी काफी हद तक बहुत अच्छी खासी कर रखी है और ये अपने चैनल पे बहुत ज्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, लेकिन YouTube एल्गोरिदम इनके चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग इनके चैनल KYND Thoughts को जरूर से सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको इनका चैनल सर्च करने से नहीं मिल रहा है तो इनके चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो प्लीज उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग इनके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को यहाँ से एक और वीडियो प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ये किस तरीके से स्टोरी वीडियोस बना रहे हैं। तो यहाँ से एक वीडियो को मैं और प्ले करता हूँ। दोस्तों, रुला देने वाली कहानियां सुनकर यदि आप उब चुके हैं तो यह कहानी अंत तक जरूर सुनना। बहुत पुराने समय की बात है, किसी गाँव के बाहर एक फकीर बाबा की कुटिया थी। बाबा वैसे तो बहुत शांत प्रवृत्ति के थे और तो आप लोगों ने देखा इस तरीके से काफी ज्यादा मेहनत ये अपने चैनल पे कर रहे हैं, तो प्लीज जरूर से इनको सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, तभी आप लोग एक दूसरे को आगे बढ़ा सकते हो। तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। अब चलते हैं अपने एडिटिंग की तरफ। तो एडिटिंग को करने के लिए आपको काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, जो कि आप लोगों ने प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल किया था। तो सिंपली इसको ओपन करेंगे, ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। अब मैं लेकर के चलता हूं आपको फुल स्क्रीन पे। तो सिंपली आपको न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है। न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपको रेशियो सेलेक्ट करना है 16:9, ये वाला रेशियो सेलेक्ट कर लेने के बाद सिंपली आपको नीचे क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका गैलरी यहाँ पे ओपन हो जाएगा और आपको ले लेना है अपना फोटो जो कि आप लोगों ने पिक्सल लैब से एक्सपोर्ट किया था, स्टोरी वाला फोटो। तो यहाँ पे मैंने उसको सेव करके रखा है। तो सिंपली ये वाला फोटो सबसे फर्स्ट जहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है उस फोटो को आपको ले लेना है। लेने के बाद सिंपली आपको ऊपर कोने में कट का ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको कट पे क्लिक कर देना है। कट पे क्लिक करने के बाद इस फोटो को लेयर को सिलेक्ट करना है, ये जो नीचे है, और इसको इस तरीके से बढ़ा लेना है लगभग 40 सेकंड का, कुछ इस तरीके से। बढ़ा लेने के बाद सिंपली आप लोगों को यहाँ पे डालना है अपना ऑडियो। इस तरीके का स्टोरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपना स्टोरी का ऑडियो रिकॉर्ड कर लेना है। अगर जिनको ऑडियो रिकॉर्ड करने नहीं आता है तो उनके लिए भी मैंने प्रॉपर वीडियो बना दिया है, तो आप लोग उस वीडियो को देख करके सीख सकते हो। उसका लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और ऊपर आई बटन पे भी लिंक मैंने लगा दिया है। ऑडियो रिकॉर्ड करने के बाद सिंपली आपको ऑडियो को यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो इंपोर्ट करने के लिए सिंपली ये ऑडियो वाला जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इतने सारे फोल्डर्स आ जाएंगे, तो सबसे नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे फोल्डर का ये ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर क्लिक करना है। एंड देन चले जाना आपने जिस भी फोल्डर में अपने ऑडियो को सेव करके रखा है, तो यहाँ पे मेरा है, इसमें है। सिंपली यहाँ पे देख सकते हो, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये प्ले हो जाएगा। तो सिंपली रिकॉर्डिंग पे क्लिक करते हैं और आप लोग सुन सकते हो। के एक प्रतिष्ठित साहूकार के लड़के से रहा मेरा ऑडियो इस स्टोरी का। तो सिंपली इसको अपने वीडियो में लाने के लिए ये प्लस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। मार्क आप लोग देख लो, ये प्लस वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक करा तो नीचे देख सकते हो ये हमारा ऑडियो यहाँ पे आ चुका है। तो इस ऑडियो को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग डालेंगे एक बैकग्राउंड म्यूजिक। तो यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने ये वाला रखा है, सैड म्यूजिक। आप लोग को अगर ये वाला म्यूजिक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो सिंपली इसको प्लस पे क्लिक करते हैं, ये भी हमारे वीडियो में ऐड हो गया। और टेलीग्राम का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां से क्लिक करके आप इस म्यूजिक को डाउनलोड कर लेना। ऐड करने के बाद सिंपली आपको ऊपर कोने में कट का ऑप्शन दिख रहा है, तो सिंपली कट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अभी हम लोगों ने जो साइड म्यूजिक को डाला इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक, उसके म्यूजिक को कम करेंगे। तो कम करने के लिए इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करके आपको क्लिक करना है यहाँ मिक्सर पे। मिक्सर पे क्लिक करने के बाद ये जो 100% है इसको कम करके आपको 50 कर लेना है।
ताकि आपका बैकग्राउंड म्यूजिक का आवाज कम रहे और आप जो स्टोरी बोलने वाले हो रिकॉर्ड किया उसका आवाज ज्यादा रहे। तो इतना करने के बाद सिंपली आपको यहाँ से दो बार बैक कर लेना है। बैक करने के बाद अब हम लोग इसको प्ले करेंगे। अकबर बादशाह के एक शहजादे की शहर के एक प्रतिष्ठित साहूकार के लड़के से घनिष्ठ मित्रता थी। वह सारा दिन अपने मित्र के साथ सैर सपाटा किया करता था, दोनों कोई काम धाम नहीं कर। तो यहाँ पे आप लोगों ने सुना, इसने बोला दोनों कोई काम धाम, यहाँ पे ऑडियो में हमारा यही पे है। तो यहाँ पे ला करके आपने अपने वीडियो को पॉज कर देना। पॉज करने के बाद ये जो फोटो वाला लेयर है, स्टोरी का फोटो वाला लेयर है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है ट्रिम एंड स्प्लिट, तो सिंपली आपको ट्रिम एंड स्प्लिट पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे तीसरे नंबर पे एक ऑप्शन है स्प्लिट का, तो सिंपली स्प्लिट पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे ही करोगे आप यहाँ पे देख सकते हो नीचे आपका जो ये फोटो वाला लेयर था दो पार्ट में ये बट चुका है। तो यहाँ से सिंपली आपको बैक करना है। एक बार और बैक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक मार्क यहाँ पे ये लग चुका है, कट जहां से हम लोगों ने करा वहां पे एक मार्क यहाँ पे लग गया है। मार्क देख लो मैंने लगा दिया, तो सिंपली आपको इसी वाले मार्क पे क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने ट्रांजिशन इफेक्ट का एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो। तो सिंपली आपको क्लिक करना, ऊपर कोने में देखो एक स्टोर का ऑप्शन है, इस पे मार्क दे दिया मैंने, वहां पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है एंड सर्च करना है हिट एंड ब्रेक, इस तरीके से लिखना है HITANDBREAK, हिट एंड ब्रेक लिख के सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा। तो सिंपली आपको इसके फोटो पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे जो मेरा इंस्टॉल्ड दिखा रहा है यहाँ पे आपको डाउनलोड दिखाएगा, तो डाउनलोड पे सिंपली क्लिक कर देना तो ये डाउनलोड होकर के आपके में इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल कर लेने के बाद सिंपली आपको बैक करना है। एक बार और बैक करेंगे एंड एक बार और बैक करेंगे, यानी कि तीन बार बैक करेंगे। बैक करके आओगे तो आपको यहाँ पे हिट एंड ब्रेक जो भी आपने डाउनलोड किया वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है तो आपको इसमें चार इफेक्ट दिखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको जो भी अच्छा लगे आप अपने स्टोरी में यूज कर सकते हो। तो सिंपली एक वाले को मैंने सेलेक्ट करा तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से इफेक्ट होना स्टार्ट हो गया। अब मैं सेकंड वाले को सेलेक्ट करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से ये इफेक्ट हो रहा है। थर्ड वाले को करेंगे तो इस तरीके से थोड़ा जल्दी जल्दी ये ब्रेक हो रहा है। तो आपको जो भी यहाँ से अच्छा लगता है, जो भी इफेक्ट अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लेना। तो सिंपली एग्जाम्पल के लिए मैं वन वाला सेलेक्ट कर रहा, वन वाला सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको बैक कर देना है एंड अपने स्टोरी को फिर से प्ले करना है। लेकिन प्ले करने से पहले आप लोगों को ये जो सेकंड लेयर दिख रहा है इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एक रिप्लेस का ऑप्शन दिखता है, रिप्लेस पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम लोगों को सेलेक्ट करना है अपने स्टोरी के आगे वाले फोटो को। तो चलते हैं अपने स्टोरी के आगे वाले फोटो को एंड यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसका आगे वाला पार्ट यहाँ पे सेट हो चुका है। अब यहाँ से प्ले करेंगे एंड आएंगे इसके लास्ट लाइन पे, तो मैं प्ले करता हूँ। काम धाम नहीं करते थे, इसीलिए अकबर बादशाह तथा साहूकार को यह मित्रता पसंद नहीं थी। दोनों ही चाहते थे कि इनकी मित्रता टूट जाए ताकि दोनों ही किसी काम धंधे में ध्यान लगाएं। इन दोनों की मित्रता कैसे भंग हो इस विषय तो देखो इसका लास्ट लाइन यहीं पे इसने बोला है, दोनों की मित्रता कैसे भंग हो इस विषय। तो यहाँ पे मैंने इसको पॉज किया, पॉज करने के बाद इसको सेलेक्ट करना है फोटो वाले लेयर को एंड देन आपको क्लिक करना है ट्रिम एंड स्प्लिट इस पे। ट्रिम एंड स्प्लिट पे क्लिक करने के बाद ये तीसरे नंबर पे जो स्प्लिट है इस पे आपको सिंपली एक बार क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको बैक कर लेना है एंड एक बार और बैक करेंगे। तो जैसे ही आपने क्लिक करा था यहाँ पे देखो फिर से वो मार्क लग चुका है स्क्रीन पे, देखो इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फिर से जाएंगे हिट एंड ब्रेक पे एंड यहाँ से आपको जो भी सिलेक्ट करना है ट्रांजिशन इफेक्ट आप उसको सिलेक्ट कर दो। तो इस तरीके से ये होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं आपको इसको पीछे से प्ले करके दिखा देता हूँ। ध्यान लगाएं इन दोनों की मित्रता कैसे भंग हो इस विषय पर। तो देखा इस तरीके से यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट ये हुआ। अब इसके आगे वाले पार्ट को लगाने के लिए सिंपली इसके आगे वाले पार्ट को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है एंड यहाँ से अपने आगे वाले स्टोरी के फोटो को सिलेक्ट कर लेना है।
तो ये रहा मेरा तीसरा फोटो, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया एंड देन फिर से आपको यहाँ से प्ले करना है एंड सुनना है कि कहाँ पे जाकर के इसका लास्ट लाइन होता है। इसी तरीके से आपको अपने सारे फोटोज ऐड कर लेने हैं। साहूकार के पुत्र तथा शहजादे की दोस्ती किसी न किसी तरह से छुड़ानी चाहिए मेरे विचार से तुम। तो देखो यहाँ पे है ये कि मेरे विचार से, तो इस तरीके से ये आया, तो यहाँ पे मैंने इसको रोका, फिर सेलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पे ट्रिम एंड स्प्लिट पे जाना है एंड देन स्प्लिट पे क्लिक करके इसको कट कर देंगे। कट करने के बाद सिंपली आपको बैक करना है, फिर से बैक करेंगे एंड ये जो मार्क यहाँ पे लग गया मार्क पे क्लिक करेंगे एंड देन हिट एंड इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है और ये फिर से आपको इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली आपको बैक कर लेना है, सॉरी ये कुछ ज़्यादा ही बैक हो गया, तो सिंपली आपको चले आना है अपने उसी प्रोजेक्ट पे और यहाँ पे यहीं पे थे हम लोग। यहाँ पे देखोगे इस बार ये छोटा सा फोटो बचा है, लास्ट में आप देखोगे ये छोटा सा फोटो बचा है, तो इसको सिंपली लास्ट वाले को सिलेक्ट करना है एंड इसको खींच करके इस तरीके से बढ़ा लेना है। इसी तरीके से आपको अपने फोटो में कट्स लगाने हैं, फिर कट लगाने के बाद उसमें अपना फोटो आगे वाला स्टोरी का फोटो को रिप्लेस करना है एंड देन इफेक्ट ट्रांजिशन इफेक्ट्स को लगा लेना है जब तक कि आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो जाती। तो इसी तरीके से आपको अपनी पूरी स्टोरी को कंप्लीट कर लेना है। अब मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूँ कि कैसा ये बना है, तो आप लोग इसको बस एक बार सुनो। अकबर बादशाह के एक शहजादे की शहर के एक प्रतिष्ठित साहूकार के लड़के से घनिष्ठ मित्रता थी। वह सारा दिन अपने मित्र के साथ सैर सपाटा किया करता था, दोनों कोई काम धाम नहीं करते थे, इसीलिए अकबर बादशाह तथा। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि किस तरीके से ये इफेक्ट हुआ। अब इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं एंड ये सेकंड वाले इफेक्ट को मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ से प्ले करते हैं। काम धंधे में ध्यान लगाएं, इन दोनों की मित्रता कैसे भंग हो इस विषय पर एक तो देख सकते हो। इस तरीके से ये इफेक्ट होना स्टार्ट हो चुका है, तो इसी तरीके से आपको भी स्टेप बाय स्टेप कर लेना है और जब आपकी स्टोरी बन करके कंप्लीट हो जाए तो आपको इसको अपने गैलरी में सेव करने के लिए सिंपली आपको ऊपर देखो कोने में एक एरो का ऑप्शन है, एरो पे आपको क्लिक करना है एंड देन यहाँ पे आपको जो भी रिजोल्यूशन में आपका वीडियो चाहिए 2K 4K 1080p 360p आप यहाँ से सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद सिंपली नीचे सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये वीडियो आपके गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अगर आपको इस ट्रांजिशन इफेक्ट वाला स्टोरी वीडियो बनाना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।